हेलो एवरीवन, मैं एकता गोयल हापुड़ से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने लाइव में। आप सब जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। आज मैं बनाने वाली हूँ एक विंटर रेसिपी। आजकल हम सब लोग हरी सब्जियां बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे कि मेथी, पालक। तो अलग अलग वैरायटी में हम उसे बनाना पसंद करते हैं। तो मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, मेथी मटर मलाई। हम इसे बहुत ज्यादा क्रीमी बनाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें हम ऑयल घी का यूज करेंगे, पर एक सिंपल होममेड रेसिपी बनाएंगे जो टेस्टी होगी, हेल्दी होगी, साथ के साथ बनाने में बहुत सिंपल है। तो चलिए बनाते हैं, मैं दिखाती हूँ मैं इसके लिए क्या क्या यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया है, रफली चॉप, 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च, उबले हुए मटर, और मैंने हरी मेथी को छान लिया है, धोकर साफ करके पहले इसको काटा है, फिर उसको मैंने पानी में धो के इसे अच्छे से स्ट्रेनर में रख दिया है, जिससे कि इसमें पानी जो है वो बाहर निकल जाए। मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी दूध, जो मैंने लिया है अमूल का फ्रेश फुल क्रीम दूध, और मैंने उसी दूध की बॉइल करने के बाद उतार ली थी मलाई, जो बहुत ज़्यादा थिक मलाई मैंने नहीं उतारी है, तो ये मैं हल्की सी मलाई यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट रेसिपी है। आइए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, पैन गरम करना, कढ़ाई। इसको मैंने कढ़ाई को रख दिया है। बहुत ज़्यादा हम तेल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्दी रेसिपी को हेल्दी ही बनाए रखना है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का तेल का यूज करूंगी। मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का यूज किया है। आप चाहें तो आप जो भी इसमें ऑयल यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। ये मैं जो मेरे पास प्याज हैं इनको इसमें भूनना है। बहुत से लोग ये रेसिपी बनाते हैं पर कुछ लोग नहीं बनाते, तो आप देखिएगा कि एक मेथी की रेसिपी भी इतनी टेस्टी बन सकती है कि बच्चे से लेकर बड़े तक सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे भूनना है। प्याज इसमें थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मेथी की जो कड़वाहट है, प्याज की जो स्वीटनेस है, वो दोनों आपस में मिक्स होने पर एक बहुत अच्छा टेस्ट देंगी, तो इसलिए आप प्याज का यूज़ करें। अदरवाइज़ बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं टमाटर की ग्रेवी के साथ। मटर को मैंने पहले बॉईल कर लिया है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से मटर को पका लिया है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी कच्ची हैं या टाइट हैं, बिल्कुल सॉफ्ट मैंने तब तक मटर को बॉईल किया है जब तक वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो गई हैं। अब देखेंगे ये जो प्याज है ये सॉफ्ट होने लगा है, ट्रांसपेरेंट होने लगा है। थोड़ा सा स्वीट करने के लिए आप चाहें तो चुटकी भर चीनी का यूज कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नमक,
नमक टेस्ट के हिसाब से ही हमें यूज करना है। प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी टमाटर और मिर्च। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक हमें टमाटर को भी पकाना है। थोड़ा सा ऐड करूंगी पानी। यहाँ मैं ऐड करूंगी 4-5 किशमिश। और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। जितने ही हमारा पक रहा है इसमें हम अपने धीरे धीरे सारे मसाले ऐड करेंगे। मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ी सी मैं डालने वाली हूँ क्रश करके कस्तूरी मेथी। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेथी की सब्जी में कस्तूरी मेथी दोनों मिक्स करके आप डालेंगे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर टेस्ट खुशबू आने वाली है। अब हमारे टमाटर 2 मिनट में पकने वाले हैं, इसके बाद हमें इसे मिक्सी में पीस लेना है, एक पेस्ट बनाना है। ऑलमोस्ट ये पक गया है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। गैस को मैंने सिम कर दिया है। इसको एक बाउल में नहीं मिक्सर में निकाल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। इसमें हमारा पेस्ट ठंडा होगा,
तो यहाँ मैंने उसी कढ़ाई को रख दिया है, मैंने उसको वॉश नहीं किया है। उसी कढ़ाई में मैंने अपनी मेथी को डाल दिया है। इसमें मैंने कोई ऑयल कोई घी यूज नहीं किया है, इसको सिर्फ इसी बचे हुए मसाले में ही मैं इसको पका लूंगी। जितनी मेरी मेथी पक रही है मैं एक मिनट में अपनी जो ग्रेवी है उसका पेस्ट बनाकर लाती हूँ। लाइफ में थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप थोड़ा सा पेस्ट को ठंडा करने के बाद ही उसको मिक्सर में पीसें। ये देखेंगे आप, मेथी अभी से ही अपना मतलब थोड़ा सॉफ्ट होने लग गई है। देखिए मैंने एक अच्छा पेस्ट बना लिया है, मेथी भी ऑलमोस्ट हो ही गई है। मेथी को इस तरह भूनने से थोड़ी सी उसकी कड़वाहट निकल जाएगी और ये मेथी सॉफ्ट भी हो जाएगी। आप देखेंगे मैंने ये 250 ग्राम मेथी ली थी और ये इतनी थोड़ी सी हो गई है। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। इसी कढ़ाई में अब हम दोबारा से अपनी सब्जी को फ्राई करने वाले हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चम्मच फिर से सरसों का तेल यूज करूंगी। इसमें ऐड करूंगी हींग और एक सबसे ज्यादा इसमें जो एक अलग सा मैं फ्लेवर यूज करने वाली हूँ वो है काली वाली इलायची के बीज का पाउडर। आपको जो तड़का लगाना है वो काली वाली इलायची है उसके बीज के मैंने पाउडर बना लिया है, उसका मैंने इसमें छौंक लगाया है। साथ में मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा, इनको भून लेंगे। इनको भूनने के बाद ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी। ये एक रिच फ्लेवर इसमें आ रहा है। ये मैंने थोड़ा सा पेस्ट मेरा रह गया था मैंने इसमें डाल दिया है। आपको अगर कलर में थोड़ा सा फर्क लगे तो आप इसमें रेड चिली पाउडर देगी मिर्च पाउडर यूज कर सकते हैं, बाकी मेरे को इसका कलर अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ कोई भी कलर यूज नहीं करूंगी।
थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से मैं अब थोड़ा इसमें नमक और ऐड करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ मटर मेथी ऐड करने वाली हूँ। मैंने मटर में और मेथी में कोई नमक का यूज नहीं किया था। यहाँ मैं ऐड करूंगी अपनी मटर। यहाँ मैंने आधा किलो मटर के दाने यूज किए हैं, जिनको मैंने अच्छे से बॉईल किया है, अच्छे से पका के बॉईल कर लिया है। और अब हम दूध मिलाएंगे इसमें। दूध को हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालेंगे, हम दूध में लगाएंगे एक तड़का। दूध में तड़का लगाने के लिए करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये मैंने दूध लिया है, इसको थोड़े बड़े बाउल में कर लिया है। देन ये थोड़ा सा पेस्ट इसमें ऐड करूंगी। अगर हम डायरेक्ट दूध को इसमें मिलाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि दूध फट जाता है। अब अगर हमारा तड़का इसमें लग गया है तो ये दूध फटेगा नहीं, धीरे धीरे हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने दूध यूज किया है अमूल का फ्रेश क्रीम, और मैंने इसकी ही मलाई को उतार लिया है। मैंने एक्स्ट्रा फैट का यूज कोई नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मटर मलाई है तो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं तो नहीं खा सकते। ये एक हेल्दी रेसिपी है। जो दूध मैंने इसमें डाला है उसी की मलाई को मैं यूज करूंगी। अलग अलग मैंने कोई अलग से क्रीम अलग से कुछ नहीं ऐड किया है। आप देखेंगे कि मैंने दूध को तड़के के साथ यूज किया है तो इसमें दूध मेरा बिल्कुल भी नहीं फटा है। कई बार फट जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फटता, पर अगर तड़के के साथ आप दूध को ऐड करेंगे तो आपका दूध कभी भी नहीं फटेगा। यहां मैं ऐड कर रही हूं मेथी। थोड़ा सा ऐड करूंगी मैं पानी। इसमें दो तीन उबाल आने हैं और फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे तो हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें बहुत थोड़ी सी कस्तूरी मेथी क्रश करके फिर से डाल रही हूँ। आधा चम्मच से कम मैं गरम मसाला यूज कर रही हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, ऑलमोस्ट सब्जी रेडी है। अब इसमें मेथी हो गई, मटर हो गई, अब हमारा एक इसमें रह गया है मलाई को ऐड करना। तो यहाँ भी मैं धीरे धीरे मलाई को ऐड करूंगी। धीरे धीरे ऐड करना है, चलाते रहना है जिससे कि फटे नहीं मलाई। अगर फटेगा तो हमारी जो ग्रेवी जो इतनी गाढ़ी है वो पानी अलग हो जाएगा, तो इसलिए धीरे धीरे हमें इसे ऐड करना है। मैंने यहाँ कोई क्रीम का यूज नहीं किया है, सिंपल अपनी घरवाली दूध की मलाई है। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि कोई
पैकेट की क्रीम का यूज ना करें, सीधा इस पे दूध की मलाई का ही यूज करें। बिल्कुल सब्जी रेडी है मेरी, अब इसे सर्व करते हैं। उसको करते हैं सर्व। ये मैंने सब्जी को कर दिया है सर्व। इसके ऊपर बहुत हल्की सी मेरी मलाई बच रही है बाउल में, इसको ही मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देखेंगे, देखो सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा कोई सब्जी नहीं है जिसको हम 5 मिनट में बना लें, पर फिर भी कि कुछ यूनिक सब्जी बनाई तो थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा ही। तो 20 मिनट में हमारी ये सब्जी तैयार हो गई है, इसे गरम गरम पराठे के साथ फुलके के साथ सर्व करें। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ अपने नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एवरीवन।